स्टैंडर्ड 7 एक्सरसाइज नंबर 4.2। कल हमने एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 देखा था, आज हम एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 स्टार्ट करते हैं। तो 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। 3n-2 = 46। क्या है 3n-2 = 46। तो अभी देखो, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है n, तो n के पास में जो भी हो उसको रिमूव करना पड़ेगा माइनस टू। तो माइनस टू कैसे रिमूव होगा, तो माइनस टू के पास में प्लस टू रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस टू रखा तो सामने के साइड पे भी प्लस टू रखना पड़ेगा। ये माइनस टू प्लस टू कैंसल, तो कितना हो जाएगा 3n = 48। कितना हो गया 46 प्लस टू कितना हो गया 48। तो n कितना आएगा 48/3, 3 से 1 तो 6, तो n = कितना आएगा 16। वैसे ही ओरली बात कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 5m + 7 = 17। अभी ये 7 को रिमूव करना पड़ेगा, 7 को रिमूव करना है तो -7 इधर भी रखना पड़ेगा, तो -7 सामने भी रखना पड़ेगा, तो -7 चला जाएगा, तो 17 - 7, तो 17 - 7 मीन्स कितना होगा 10। तो 5m = 10, 5m = 10, तो m = 2 आएगा। अभी चलो सी करवा देता हूँ। सी में है 2p/3 = 14। कितना है 2p/3 = 14। अभी याद रखो, p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p के सामने जो भी है मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन। तो p 40 रखा, ये 20 मल्टीप्लिकेशन में था p के साथ में, तो ये चला जाएगा डिवीजन में, और ये डिवीजन में था तो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 20 से 2 टाइम्स, तो 2 × 3 = 6, तो p का आंसर क्या आएगा 6। वैसे ही d देख लो, 3p/10 = 6 है, 3p/10 = 6। तो क्या बोला था मैंने कि p के साथ में जो भी है उसको दूर करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में चला जाएगा और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में। तो p तो वैसे का वैसा रखा, 6 भी वैसे का वैसा, ये 10 डिवीजन में था वो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में था p के साथ में वो डिवीजन में चला जाएगा, तो 3 × 2 = 6, तो 2 × 10, p का आंसर आ जाएगा 20। ओके, अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में भी वही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अभी देखो, tan p = कितना दिया है 100 दिया है, क्या दिया है tan p = 100। तो p 10 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो p = 100/10, तो p का आंसर आ जाएगा 10। अभी b करवा देता हूं। देखो b में क्या दिया है, b आपको दिया हुआ है tan p + 10 = 100, ऐसा दिया हुआ है। अभी देखो, ये 10 जो है, पहले ये 10 जो प्लस में है ना वो उसको रिमूव करो, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 रखना पड़ेगा दोनों साइड, तो tan p + 10, और यहाँ पे -10 भी रखो तो यहाँ पे -10, तो 100 - 10, तो 10 कैंसल, तो tan p = आया इसका 90 आया, कितना आया 90, तो p = 90, ये मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो p का आंसर आ गया आपका 9। ओके, ये ओरली बात कर देते हैं। सी p/4 = 5, लेकिन ये 4 डिवीजन में, = के सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही डी, तो p का आंसर आ जाएगा 5, 4 = 20। वैसे ही डी -p/3 = 5, तो सामने जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन -p = 15 आया तो p = -15 आ जाएगा, अभी ई 3p/4 = 6 है, तो 4 डिवीजन में है तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 × 4, और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो 3 × 2 = 8, तो आंसर आ जाएगा 8, आंसर आपका आ जाएगा 8। अभी एफ भी ऐसा ही है, जी भी इजी है, एच इजी है,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे वो करवा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखो, 2q + 6 = 12, चलो वो करवा देता हूँ। 2q + 6 = 12, तो 2q + 6 = 12। देखो सिंपल, हमको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप में देखो कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ में क्या है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ में प्लस सिक्स है, तो प्लस सिक्स को दूर करो। तो प्लस सिक्स को कैसे दूर करेंगे, तो प्लस सिक्स को दूर करना है तो उसका ऑपोजिट साइन की वैल्यू रखो 12। अभी माइनस सिक्स इस साइड रखा तो माइनस सिक्स इस साइड भी रखेंगे, सिक्स सिक्स कैंसल, तो 2q = क्या आएगा, 12 - 6। तो 12 - 6 मीन्स क्या आ जाएगा, 6। 2q - 2q = कितना आया, 6। अभी q की वैल्यू फाइंड करनी है तो q के साथ में क्या है, 2, तो उसको भी रिमूव करो तो क्या करो, तो 6। ये मल्टीप्लीकेशन में था तो मल्टीप्लीकेशन का किस में चला जाएगा, डिविजन, तो ये आंसर आ गया 3, क्योंकि 2 3 6 होता है ना, तो q = आ जाएगा 3। Q का आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगेन देखो एक्सरसाइज 4 में जो दो छोड़े थे उसकी भी ओरली बात कर रहे थे, तो 2q - 6 = 0, माइनस सिक्स रिमूव करना है तो प्लस सिक्स ऐड करो, तो सिक्स यहाँ पे भी ऐड किया, सिक्स यहाँ पे भी ऐड करो, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिक्स सिक्स चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2q = कितना आ जाएगा आंसर, 6। 2q = 6 आएगा, तो q = 6/2, तो 6/2 मीन्स q = आंसर आ जाएगा 3। वैसे ही 2q + 6 = 0, प्लस 6 को दूर करना है तो माइनस सिक्स रखो दोनों साइड, तो माइनस सिक्स यहाँ पे रखा तो माइनस सिक्स यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो 2q = -6, तो q = -3 आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4.2।